अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं सेवई डेजर्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, और बनाना तो बिल्कुल इजी है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो मिनटों में ये बन जाने वाली रेसिपी है, उन्हें ज़रूर से ये बना कर खिलाएं, आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी हमें लेना है। 1 प्याली सेवई को हमें घी में देकर भून लेना है। ये मार्केट में इजीली सेवई मिल जाती है। घी देकर सेवई को भूनने से ना सेवई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। सेवई हमारी यहाँ पर भून चुकी है। 1/2 लीटर दूध को हमें सेवई में दे देना है। अब दूध देकर सेवई को हमें अच्छे से पका लेना है। लगातार चलाते हुए सेवई को 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो सेवई हमारी अच्छे से पक जाएगी। सेवई हमारी यहाँ पर अच्छे से पक गई है। अब इसके थिकनेस को बढ़ाने के लिए थोड़े से दूध में हमें वैनिला फ्लेवर का 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देने से ना दूध में मलाई की तरह बहुत ही बढ़िया थिकनेस आ जाता है। तो 2 चम्मच इसे देकर और अच्छे से हमें मिक्स करके दूध में इसे दे देना है। तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इस मिक्सर को दूध में दे देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हमें कंडेंस मिल्क देना है, जो कि 200 ग्राम का है। इसमें पूरा 200 ग्राम ही हमें देना है। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये हमारी टेस्टी सी सेवई बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए ना तो आप उनको बनाकर खिलाएं, उनको बहुत पसंद आने वाली ये डिश है और मिनटों में बन जाने वाली ये डिश है। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है, तो आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।